हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चला के स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके बारे में। तो इससे पहले भी कुछ दिन पहले DSSB की एक नोटिफिकेशन आया हुआ था जिसमें वैकेंसीज के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई थी। उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी मेल फीमेल और बंगाली टीचर, उसके अलावा मैथमेटिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज आई हुई थी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स उसमें रह गए थे। उसमें सोशल साइंस भी आया हुआ था, लेकिन जो है इंग्लिश और संस्कृत ऐसे सब्जेक्ट कुछ रह गए थे। तो उनके लिए अभी अलग से नोटिफिकेशन निकाला गया है जो कि कल ही आया हुआ है, और कल ही इन सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज आ गई हैं। ठीक है, तो जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट के जितने भी स्टूडेंट रहे होंगे वो सब इसकी वेट कर रहे थे कि कब इन सब्जेक्ट को जो है वैकेंसीज में जोड़ा जाएगा और लाया जाएगा। जैसे कि पहले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक हफ्ते या एक दो हफ्ते के अंदर इन सब्जेक्ट्स के लिए भी वैकेंसीज आएंगी और इन सभी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो अभी जो है इंग्लिश, संस्कृत, इसके अलावा उर्दू, इन सभी जो है लैंग्वेज टीचर के लिए है ना, इसके अलावा बंगाली टीचर के लिए भी है एक पोस्ट जो आई थिंक मेल के लिए जो बचा हुआ था, ठीक है, वो भी इसमें आया हुआ है। मेल के लिए पिछले वैकेंसी में आया हुआ था और इसमें फीमेल के लिए आया हुआ है, और इसके अलावा पंजाबी टीचर के लिए भी आया हुआ है। तो इतने सारे वैकेंसीज इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कुछ इस वैकेंसीज के बारे में इम्पोर्टेंट बातें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है और जिनको आप सभी जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट है वो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। मैं यहां पर आपको जूम करके दिखा देता हूं, इस वाले डेट को आप देख लीजिए, इस वाले डेट को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म का जो ओपनिंग डेट है यानी कि आप एप्लीकेशन कब से फिल कर सकते हैं, तो ये वाली डेट जो है वो है 4 जून। 4 जून से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और कब तक कर सकते हैं, 3 जुलाई तक। ठीक है, 4/6 यानी कि 4 जून से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 3 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें, और भी जो बातें आपके जानने लायक हैं वो सभी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा आगे इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में बाकी आगे की सभी जानकारी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं इस राउंड 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TGT बंगाली फीमेल के लिए, TGT इंग्लिश मेल, TGT इंग्लिश फीमेल, TGT उर्दू मेल, TGT उर्दू फीमेल, TGT संस्कृत मेल, TGT संस्कृत फीमेल, पंजाबी मेल और पंजाबी फीमेल। जितने भी वैकेंसीज हैं वो सभी जो हैं TGT के लिए आए हुए हैं, और इनके लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या आपको होना चाहिए, उन सभी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ बातें इसके क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन इसमें होना चाहिए। तो हर पोस्ट के लिए आप एक बात जान लीजिए कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका चूंकि ये TGT टीचर के लिए है यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए है, तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, और ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 45% आपका होना अनिवार्य है। अगर 45% से आपका कम है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको जो है कोई भी जो है डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए। इसमें ये कहा गया है, यहाँ पर नंबर 2 आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और एक बार जूम कर देता हूँ। तो आप जो है यहाँ पर नंबर 2 को यहाँ पर ध्यान से आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन। तो आपका जो है ट्रेनिंग एजुकेशन में डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आपका जो DEd, BEd, ठीक है, BEd, BTC, इसके अलावा DEd, DLEd, ये सभी जो है डिग्री और डिप्लोमा दोनों इसमें कहा गया है। यानी कि यदि आपका डिग्री होगा तब भी चल जाएगा और डिप्लोमा होगा तब भी चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चूंकि ये TGT के लिए है पोस्ट, तो आपको CTET भी यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो जो आपका CTET है वो लेवल 2 का आपका क्लियर होना चाहिए, लेवल 2 या फिर पेपर 2 आप इसको कह सकते हैं। तो CTET का पेपर 2 आपका यानी कि लेवल 2 क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो उनका अगर लेवल 1 यानी कि पेपर 1 उनका जो क्लियर है, सिर्फ पेपर 1 क्लियर है, वो इसमें नहीं भर पाएंगे। ठीक है, उनके लिए लेवल 2 यानी कि पेपर 2 होना
अनिवार्य है। तो जिनका भी CTET पेपर 2 यहाँ पर क्लियर है वो सभी स्टूडेंट यहाँ पर भर सकते हैं। तो चलिए और क्या ज़रूरी बातें हैं इसमें आगे देखते हैं। तो इसमें ज़रूरी बात यह है कि आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आप इसमें इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट जो है पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश आपको एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। और उसके अलावा मैंने बताया कि आपको BA डिग्री डिप्लोमा डिग्री या फिर डिप्लोमा आपको होना चाहिए। अब आगे देखते हैं और क्या चीज़ें और क्या जानकारी आपकी इसमें होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपके काम की एक और जानकारी यहाँ पर दी गई है, फीस पेमेंट। ठीक है, फीस यानी कि जो भी इसके लिए फीस जो तय किया गया है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फीस जो है 100 रुपीज़ आपके लिए तय किया गया है। जो भी जनरल स्टूडेंट हैं और जनरल मेल हैं उनके लिए 100 रुपीज़ जो है फीस रखा गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है कि वुमेन कैंडिडेट जो है उनके लिए फ़ीस की छूट यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब यानी कि SC ST, ठीक है, इसके अलावा PWD एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए जो है फीस से इन सभी को छूट रखा गया है। तो यहाँ पर इन सभी बातों को पढ़कर ये पता चलता है कि जो फीस जो भरने यानी कौन से कैंडिडेट को फ़ीस भरना है, तो मेल कैंडिडेट को भरना है। फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको फ़ीस नहीं भरना है। इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हैं या फिर OBC के कैंडिडेट हैं, तो उनको यहाँ पर फ़ीस भरना ज़रूरी है। ST SC और PWD एक्स सर्विसमैन ऐसे जो कैंडिडेट होंगे उनको फ़ीस यहाँ पर पेड नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं फीस का हो गया। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या कहा गया है आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का ये जो टेबल है उसमें से देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ST SC 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 32 ईयर रखी गई है। ठीक है, इसको आप ये लोग याद रखिएगा, जो एक जनरल कैंडिडेट है उसको 32 ईयर यहाँ पर मैक्सिमम उसकी एज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ST SC को छूट दिया गया है तो आप 32 ईयर में 5 ईयर ऐड कर लेंगे, यानी कि 37 साल उनकी मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी। OBC को यहाँ पर 3 साल की जो छूट दी गई है तो यहाँ पर 35 ईयर उसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो हो जाएगी। PWD को यहाँ पर 10 ईयर का दिया गया है तो ये उनके लिए 42 ईयर हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा PWD प्लस ST या SC दोनों होने पर उनको 15 साल का छूट दिया जाएगा, और PWD प्लस OBC होने पर दोनों होने पर उनको 13 साल का छूट दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी चीज़ें जो एक्स सर्विसमैन के लिए है या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो मैं ये जो PDF है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, इसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप वहाँ पर से इसे डाउनलोड करके आसानी से इसका बारीकी से निरीक्षण कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग वहाँ पर जा कर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और बहुत बारीकी से इसका निरीक्षण कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपके लिए और क्या बातें दी जो है जानना ज़रूरी है उसको देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है लगभग सभी चीज़ें यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। एक चीज़ यहाँ पर बच जाता है, सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस जो है बच जाता है, और सिलेबस इसका पहले की तरह ही होगा। जो पहले के वीडियो में पहली जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें मैंने जो सिलेबस के बारे में बताया हुआ था, सिलेबस बिल्कुल उसी प्रकार का होगा। आपका जो TGT का पेपर होगा वो 200 मार्क्स का आपका रखा गया है, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, और इसको जो है 100 नंबर के दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो जनरल पेपर होगा, सभी के लिए कॉमन होगा, और जो पार्ट बी का जो पेपर होगा वो सब्जेक्ट बेस पर होगा। आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं, आप अगर हिंदी से करना चाहते हैं तो आपका 100 नंबर का हिंदी आएगा, आप इंग्लिश से करना चाहते हैं 100 नंबर का आपका इंग्लिश आएगा, अगर आप संस्कृत से करेंगे तो 100 नंबर का आपका संस्कृत का पेपर आएगा। तो ये जो पार्ट ए में जो है 100 नंबर जो कि सबके लिए जनरल पेपर है, उसको 5 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। और कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है आपका जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, उसके अलावा
जीके एंड सीए होगा आपका, जीके या फिर आप इसको जीए कह सकते हैं, जनरल अवेयरनेस, जीए प्लस सीए यानी कि करंट अफेयर, ठीक है। उसके ये तीन सब्जेक्ट हो गए। उसके अलावा आपका मैथमेटिकल पोर्शन होगा, उसके अलावा जो पांचवा पोर्शन है वो है रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ये आपके पांच पोर्शन हो जाते हैं। और इन पांचों पोर्शन को जो है 20-20 मार्क्स में डिवाइड किया गया है और ये कुल मिला करके हो जाते हैं 100 मार्क्स के। तो आपका पार्ट ए 100 होगा और पार्ट बी 100 होगा, ये दोनों मिला करके आपके 200 मार्क्स के पूरे पेपर होंगे और पूरे जो है एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ये पेपर अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे या फिर ऑफलाइन, तो ये बाद में डिसाइड होगा कि ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं और ऑफलाइन भी हो सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट, मैंने सभी जो है सभी टॉपिक्स को यहाँ पर जो आपको जानने लायक थी सभी को कवर किया है। अगर अभी भी कोई टॉपिक छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज वहाँ पर छोड़ सकते हैं, मैं उनको देख करके उनका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। अगर मैं आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं दे पाता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है @cs.rajyadav, ठीक है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो cs@cs.rajyadav इस आईडी पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको समझने में हेल्प मिली होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपसे आपकी तैयारियों से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको इसमें मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।